अस्सलाम वालेकुम SLS स्टूडेंट्स, सब अपनी उर्दू की वर्कबुक खोलें, पेज 53 खोलें, पढ़ें और लिखें दोराई अलिफ ता गाइन। स्टूडेंट्स, आज हमने दोराई करनी है अलिफ ता गाइन तक। पीछे हम अलिफ ता गाइन तक लिख चुके हैं, आज हमने इस पेज पे पूरा लिखना है अलिफ ता गाइन तक, ठीक है। अब आप देखें क्या क्या आता है। अलिफ, अलिफ के बाद क्या आता है, अलिफ मदा, अलिफ के ऊपर क्या लगानी है, मद, ठीक है ना। अलिफ, अलिफ के बाद अलिफ मदा, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, टे के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर तीन नुक्ते। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, चे के अंदर तीन नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता। फिर लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है दाल खाली, दाल के ऊपर छोटी तोएं, जाल के ऊपर एक नुक्ता, रे खाली, अड़े के ऊपर छोटी तोएं, जे के ऊपर एक नुक्ता, से के ऊपर तीन नुक्ते, ठीक है। फिर लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है सीन खाली, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, स्वाद खाली, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है। फिर लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है तोएं खाली, ज़ोएं के ऊपर एक नुक्ता, आयन खाली, गायन के ऊपर एक नुक्ता। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये फुल पेज खुद राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।